हाँ मम्मी, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, 2 साल पहले बुलाया था। चनाया भाभी, वो माँ को कैटवॉक करके दिखाइए ना। मतलब कैटवॉक करने में आपकी बराबरी भला कौन कर सकता है? वो तो है जी, मिस चंडीगढ़ यूं ही थोड़ी ना बनी थी मैं। आज अगर मैं मॉडलिंग कर रही हूँ तो सारी मॉडल्स की छुट्टी हो जाती भाभी। इसलिए कह रही हूँ कि माँ को एक बार दिखाइए ना कैटवॉक करके। भाभी प्लीज, मेरे लिए प्लीज। ओके, ओनली फॉर यू, राइट? मैं आप सबके साथ करती हूँ। ओके, चलिए माँ करते हैं। तुम दोनों करो, आपके लिए तो करिए ना भाभी। चलिए, राइट, ठीक है। राइट पैर ऐसे आगे, हाँ, और जो लेफ्ट हाथ है उसे बड़ी प्यार से अपनी कमर पर रखना है और एकदम सामने देखना है। अजीत के साथ माड़ी, आज डिलीवरी ना हो तो अच्छा है। विद्या, 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 देख बेटा, बेटा थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। हाँ बेटा, कल सवेरे देख नया पहर शुरू हो जाएगा, उसके बाद कभी भी बच्चा है ना तो चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सहले दिख रहा है। आज की रात निकाल ले, हाँ दिख रहा है? बस थोड़ा सा सहले दिख रहा है विद्या। तो विद्या, विद्या, अरे माँ की मूर्ति हाथ में रख, देख देख तुझे शक्ति मिलेगी बेटा। विद्या, विद्या, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? विद्या, क्या कर रहे हो तू? आपने अभी तक हॉस्पिटल नहीं फोन किया? अरे बाहर देख मौसम कितना खराब है, आज की रात निकल जाने दे, दिख रहा I can't believe आप लोगों ने इस तरह से अभी तक डॉक्टर को नहीं बुलाया है। अगर विद्या या किसी बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या जवाब देती आप? अरे मेरी बात तो सुन बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, अब हमारे पास एम्बुलेंस का वक्त नहीं है। विद्या की हालत देखिए आप लोग। अभी आप डॉक्टर मेहता को फोन कीजिए, कहिए कि विद्या के लेबर पेन शुरू हो गए, मैं इसे लेकर निकला हूँ। दीपांग मैं भी चलती हूँ। नहीं, आप अल्पेश भाई और बाबू जी को लेकर आइए, मैं लेकर निकल रहा हूँ। आराम से, आराम से, आराम से, संभल के विद्या, बस हम डॉक्टर के पास पहुंचने वाले। विद्या बेटा चिंता मत कर, माँ तेरे साथ है। हाँ? लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अभीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर से विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा।
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।